नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में प्रशासनिक सेवा में बड़े स्तर पर हुआ तबादला, अब नए सिरे से जमीन लगान का होगा निर्धारण। सीएम नीतीश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि, तब 7 साल से कम सजा पाने वाले को बिना नोटिस भेजे नहीं होगी गिरफ्तारी। इस वजह से आज मैदान में काली पट्टी बांध कर उतरे भारतीय खिलाड़ी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में प्रशासनिक सेवा में बड़े स्तर पर हुआ तबादला। बिहार में एनडीए सरकार के आते ही कई बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। इस प्रशासनिक सेवा में मौजूद अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता, उप सचिव और मूल कोटे के 2 दर्जन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। बता दें कि नए उप विकास आयुक्त की पदस्थापना अररिया, बांका, समस्तीपुर और जहानाबाद जिले में देखने को मिले हैं। इसी कड़ी में पटना का नया नगर दंडाधिकारी विशाल आनंद बनाए गए हैं। इसके अलावा जिला आपूर्ति पदाधिकारी खगड़िया रोजी कुमार को उप विकास आयुक्त अररिया की जिम्मेदारी मिली है। अपर समाहर्ता गया अंजनी कुमार को उप विकास आयुक्त बांका की जिम्मेदारी मिली है। उप सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय संदीप शेखर प्रियदर्शनी को उप विकास आयुक्त समस्तीपुर और अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशनगंज मनोज कुमार को जहानाबाद का उप विकास आयुक्त बनाया गया है। अब नए सिरे से जमीन लगान का होगा निर्धारण। वैसे किसान जिनके ऊपर कई प्रकार के टैक्सों के बोझ हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बिहार सरकार जमीन लगान के लिए फिर से विचार कर रही। बिहार में लगान और कालगुजारी की समीक्षा को लेकर भूमि एवं राजस्व विभाग में खास तैयारी है। इसके लिए दिसंबर 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों के राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्ती का काम पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए अंतिम चरण में विशेष रूप से 10,101 सर्वे कर्मियों की बहाली प्रक्रिया है। इनकी नियुक्ति पूरी होते ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सर्वे का काम प्रदेश के सभी जिलों में शुरू हो जाएगा। फिलहाल ये काम 20 जिलों के 89 अंचलों में देखने को मिल रहा। इस कार्य का उद्देश्य है जमीन को नए सिरे से जमीन का नक्शा और मालिकाना हक की जानकारी को दर्ज करना, ताकि नए सिरे से इसी आधार पर लगान का निर्धारण पूरा किया जा सके। अब 7 साल से कम सजा पाने वाले को बिना नोटिस भेजे नहीं होगी गिरफ्तारी। पटना हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। दरअसल अदालत ने अपने एक आदेश के दौरान राज्य के पुलिस और निचली अदालतों को आदेश दिया है कि वे उन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने या न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सुप्रीम कोर्ट से पारित दिशा निर्देशों का सख्त अनुपालन करे। इस दिशा निर्देश के दौरान ये तय किया गया है कि 7 साल या इससे कम की सजा पाने वाले अपराधियों को पुलिस बिना कोई नोटिस दिए अब गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। साथ ही इनको जमानत देने में निचली अदालतों को भी नरम रवैया अपनाना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस अधिकारी यदि बगैर नोटिस के ऐसे अपराध श्रेणी के अपराधियों को यदि गिरफ्तार करेंगे और यदि कोई न्यायिक दंडाधिकारी इन्हीं आरोपियों को किसी कानूनी या तार्किक कारण लिखे बिना ही न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्देश देंगे, तो वे दोनों ही विभागीय कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। सीएम नीतीश ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज भारत रत्न से सम्मानित हुए जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज सीएम नीतीश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर देश रत्न मार्ग स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में कार्यक्रम आयोजित हुए थे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीएम नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव, शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजन और भी कई गणमान्य मौजूद दिखे। इस अवसर पर राज्य सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित की गई थी, जहां कर्पूरी ठाकुर के जीवन और कृतित्व पर आधारित गीत, भजन, कीर्तन और निर्गुण गीत की प्रस्तुति देखने को मिली। बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा के दूसरे दिन कदाचार मामले में इतने बच्चे हुए निष्कासित। आज बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा का तीसरा दिन रहा। यहां द्वितीय भारतीय भाषा विषय के तहत संस्कृत, अरबी, फारसी और भोजपुरी की परीक्षा थी। पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, तो वहीं दूसरे पाली की परीक्षा थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगी। बीते ही दिन हुई परीक्षा के दौरान प्रदेश भर से 33 परीक्षार्थी निष्कासित किए गए हैं। बिहार बोर्ड पूरी शक्ति के साथ परीक्षा का आयोजन करवा रहा है, ताकि परीक्षा को कदाचार मुक्त और सफल बनाया जा सके। ऐसे में थोड़ी भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले सभी बच्चों की हर दिन बड़ी ही शक्ति के साथ जांच की जा रही है। बीते ही दिन जो 33 परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित किए गए थे, ये 10 जिले से थे। महागठबंधन की सरकार के दौरान राजद कोटे से रहे मंत्रियों के फैसले की होगी समीक्षा। एनडीए की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद के भी कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बीते दिन एनडीए सरकार ने महागठबंधन सरकार के दौरान राजद कोटे को मिले सभी विभागों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही ये बात भी सामने आ रही कि सभी विभागों में जांच के बाद उचित कार्रवाई भी की जा सकती है।
मौजूदा एनडीए सरकार द्वारा लिए गए फैसले के तहत जब बिहार में महागठबंधन की सरकार 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 जनवरी 2024 तक थी, इस दौरान राजद कोटे के मंत्रियों ने क्या फैसले लिए, इन सभी की समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के बाद यदि किसी तरह के संशोधन करने पड़े तो उसमें संशोधन भी किए जाएंगे। बता दें कि इससे पहले सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे, साथ ही कहा था कि उनके विभागों की सभी फाइलें खोली जाएंगी। इस मामले में भाकपा माले के विधायक की समाप्त हुई विधानसभा की सदस्यता। मनोज मंजिल भाकपा माले के विधायक हैं, लेकिन अब इनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। दरअसल इन्हें जेपी सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली है, जिस वजह से विधानसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को उनके सदस्यता को खत्म कर दिया गया। मनोज मंजिल भाकपा माले के अगी आम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित थे। मनोज मंजिल को सजा मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय द्वारा अगी आम सुरक्षित सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, साथ ही इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी गई है। बता दें कि इस सीट को 13 फरवरी के प्रभाव से खाली माना गया है। बिहार के भागलपुर में कचरे से बनेगा ट्रॉली बैग, उद्योग के क्षेत्र में बिहार लगातार तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास कर रहा। अब इसी कड़ी में खबर आई है कि बिहार के भागलपुर में कचरे से ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे। कचरे से बनाए जाने वाले ये ट्रॉली बैग को हर वर्ग के लोग आसानी से खरीद सकेंगे, क्योंकि इसकी कीमत ब्रांडेड ट्रॉली बैग से 3 गुना तक कम होगी। बता दें कि इस ट्रॉली बैग के यूनिट बियाडा में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत खरीक प्रखंड के तलगी निवासी नंदी केस स्थापित करेंगे। सरकार इन्हें जल्द ही सहायता राशि के रूप में 1 करोड़ रुपए देगी। बता दें कि इस ट्रॉली बैग को बनाने के लिए रॉ मटेरियल समेत सभी सुविधाएं क्षेत्र में उपलब्ध हैं। बस इंतजार है सरकार से मिलने वाली सहायता राशि की। सरकार से 1 करोड़ रुपए मिलते ही जल्द ही मशीन और यूनिट की स्थापना कर दी जाएगी। नंदी केस ने से लेकर बताया है कि पहले कचरे को गलाया जाएगा, फिर इससे दाना तैयार किया जाएगा, फाइबर की सीट बनाई जाएगी, फिर ट्रॉली बैग का निर्माण होगा। अभी एक दिन में 200 से अधिक ट्रॉली बैग बनाने की तैयारी है। नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में हुई गड़बड़ी के मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जांच के दिए आदेश। प्रदेश के कई नर्सिंग कॉलेजों में मान्यता देने के नाम पर हुए गड़बड़ी के मामले में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाराजगी जताई है। इस संबंध में उन्होंने विभाग के अपर मुख्य प्रत्यय अमृत के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान और भी कई अधिकारी शामिल रहे। इस समीक्षा बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी करने वालों के चिन्हित करने के भी आदेश दिए हैं। इस मामले में जिसकी गड़बड़ी भी सामने आएगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से भी गुणवत्ता सुधार के लिए सहयोग ले, साथ ही नर्सिंग कॉलेजों का नियमित निरीक्षण करें। इसके अलावा संस्थान खोलने के लिए मान्यता मिलने के बाद भी खोलने में देरी क्यों हुई, इस संबंध में भी पूछताछ करने की बात सामने आई है और कहा गया है कि प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। राहुल गांधी की जीप के ड्राइविंग सीट पर बैठे तेजस्वी पर सुशील मोदी ने कसा तंज। बीते ही दिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें देखा गया कि जहां एक तरफ ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी बैठे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बैठे हैं। दोनों नेताओं ने ही ऐसा करके एकता का संदेश दिया। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप है। बेरोजगारी में तेजस्वी यादव कांग्रेस की जीप के ड्राइवर बन गए हैं। राहुल गांधी किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का झूठा वादा कर रहे हैं। आगे सुशील मोदी ने राहुल गांधी के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस ने समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी क्यों नहीं दी। लालू यादव के बयान के बाद सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया आई सामने। बीते ही दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन में नीतीश कुमार के वापसी को लेकर बयान दिया था। लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि दरवाजा तो खुला ही रहता है। अब इस पर सीएम नीतीश की प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश ने लालू के इस बयान को लेकर कहा है कि कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए, हम सब एक साथ आ गए हैं जैसे पहले थे। जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी, उसके साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश की गिरगिट से कर दी तुलना। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम नीतीश को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग मुझे बीजेपी की बी टीम बताते थे लेकिन मैं नहीं बदला, नीतीश कुमार बदल गए। नीतीश ने बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। इसे सिर्फ नीतीश ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदार हैं। नीतीश के साथ साथ ओवैसी ने राजद पर भी तंज कसा। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटों के बल पर मेरे चारों विधायकों को खरीद लिया, आखिर क्या हुआ। तेजस्वी से पूछने पर कहेंगे कि चाचा नीतीश ने हमको छोड़ दिया। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम मर भी जाएंगे तब भी वहां नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार और गिरगिट को सामने रखा जाए तो गिरगिट कहेगा कि मुझे इनसे शर्म आती है।
दागी अफसरों पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हुए सख्त। एनडीए सरकार में उपमुख्यमंत्री का दर्जा मिलते ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एक्शन में आ चुके हैं। बता दें कि एनडीए की सरकार में महागठबंधन की सरकार के दौरान राजद को मिले विभागों की समीक्षा करने की बात सामने आई है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा श्रम संसाधन विभाग में सख्ती दिखाई गई है। श्रम संसाधन विभाग में मिले टेंडर की आड़ में हुई धांधली को लेकर फरमान जारी किया है। साथ ही इसमें दागी अफसरों की तैनाती पर भी सख्ती दिखाई जा रही। इस संबंध में विजय कुमार सिन्हा ने बताया है कि संसाधन विभाग में समीक्षा और शिकायतों को देखते हुए यह आदेश दिया गया है कि विभाग में दागी अफसरों को डबल प्रभार नहीं दिया जाए, साथ ही इन अफसरों को मिले अतिरिक्त प्रभार से भी हटाया जाए। इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने यह भी बताया कि टूल्स और मशीनरी की खरीदारी में भी घपला हुआ है और 5 रुपए के सामान को 25 रुपए में खरीदा गया है। बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा समेत दिल्ली पहुंचे कई नेता। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। यह बैठक 17 और 18 फरवरी के लिए आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें बीजेपी के और भी कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। बिहार से इस बैठक में शामिल होने के लिए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद दिखे। साथ ही बिहार से और अन्य 500 से भी अधिक नेताओं को शामिल होने का न्योता मिला है। खबर है कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों की चर्चा की जाएगी। हालांकि इस बैठक में शामिल होने के लिए बिहार से दिल्ली पहुंचे नेताओं ने फिलहाल इस बैठक को लेकर कुछ नहीं कहा है। इस वजह से आज मैदान में काली पट्टी बांधकर उतरे भारतीय खिलाड़ी। आज हाथ में काली पट्टी बांधकर भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान में उतरे दिखे। हर कोई सोच में पड़ा था कि आखिर आज ये भारतीय खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि मैदान में उतरे भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पूर्व कप्तान दत्ताजी राव गायकवाड़ की याद में किया है। बता दें कि इसकी जानकारी बीसीसीआई द्वारा दी गई है। दत्ताजी राव गायकवाड़ का 95 वर्ष की उम्र में अभी हाल में ही निधन हुआ है। इन्होंने अपने जीवन काल में 1952 से 1961 के बीच 11 टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये दाएं हाथ के बल्लेबाज थे। इन्होंने अपने खेल करियर के दौरान 18.42 की औसत से 350 रन बनाए थे। बता दें कि अपने बेहतरीन डिफेंस और ड्राइव खेलने के लिए जाने जाते थे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, मोटू रंगीला, अर्जुन राम, सुकुमार सिंह बादल, राजकिशोर महतो, बिरजू कुमार, नौसाद रजा, गोनर शर्मा, संघर्ष कुमार, धनंजय कुमार, रंजित मिश्रा, सादुल्ला पालवी, मनीषा देवी, नंद कुमार सिंह, रवि कुमार राम, जमेश्वर आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उनकी याद में आप क्या कहना चाहेंगे। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।